मेरे पास ये एक केज पड़ा था, मैंने काफ़ी देर पहले ख़रीदा था ये, तो ये केज सा पड़ा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आज थोड़ा सा रीवैम्प करते हैं। तो ये मेटल केज है, इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक भी यूज़ है, ज़रूर किया हुआ है, प्लास्टिक के बिना तो कुछ है ही नहीं आज के टाइम में। और एक ये ब्रैकेट है जो मैंने ली थी, आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, ये मैंने बाहर हैंग किया हुआ है, तो ये वही चीज़ है। तो ये ब्रैकेट है, इस पर भी कलर करते हैं, और ये ना इस तरह से मतलब लगा के, और इसमें मैं जो ये केज है बर्ड केज टाइप, वो इसमें हैंग कर देता हूँ। तो पहले इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, अभी जितना हो सकता था, अच्छे से तो नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी मिट्टी थी। और ये स्प्रे पेंट है, एक ब्लैक मैट कलर है एंड एक गोल्डन कलर है। तो अब मैं ना इस पर ये इवनली स्प्रे कर देता हूँ। स्प्रे पेंट से ना इस तरह की चीज़ों पे करना ज़्यादा मतलब इजी कर देता है काम, उससे क्या है कि छोटी छोटी जगहें हैं उसमें इजीली पेंट हो जाता है, अगर ब्रश से करो तो वो उस तरह से पेंट नहीं होता। हालांकि इस तरह से पेंट करने से थोड़ा सा हमारा ना पेंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्प्रे करके अब एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं आता, मतलब थोड़ा इधर उधर फैल भी जाता ना, क्योंकि छोटी जगह है, कोई और चीज़ होती है, वुड होती है, कुछ तो अलग बात थी। तो इस तरह से मैंने इस पर स्प्रे पेंट किया, और पहले मैंने ना इसको यहाँ पे गोल्डन इस तरह से स्प्रे करके देखा, बट वो जैसे आपको बता रहा हूँ कि छोटी जगह हैं, जैसे ये इसमें बार्स हैं वो छोटे हैं, तो उसकी वजह से वो पीछे भी जाने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसको स्प्रे करके देखता हूँ कैसा लगेगा, पर वो ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने दोबारा से सारा जो है ब्रैकेट और जो केज है वो दोनों को दोबारा से स्प्रे पेंट किया, तो इस तरह से थोड़ा पेंट भी ज़्यादा लगा, बट जैसा मैं चाह रहा था वैसा हो गया। फिर मैंने जहाँ पे ये पहले लगा था वहीं पे दोबारा से स्क्रू जो है लगा के टाइट कर दिए, तो इस तरह से ये हैंग करेगा अब ये। अब मेरे पास पेंट तो और पड़ा नहीं था, तो फिर मैंने एक बारी ना एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे स्प्रे पेंट को ना जो इसका ढक्कन होता है उसमें थोड़ा सा स्प्रे करके, और सिंपल जो ब्रश होता है पेंट वाला, मतलब पेंटिंग के लिए नॉट दूसरा पेंट, तो उसमें डिप करके, तो ऐसा कलर यूज़ करके उन्होंने किया था। तो वही सेम टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, जो उस पर ये ऐसे फ्लावर बना हुआ है और नीचे लीव्स हैं, उस पर मैंने ऐसे गोल्ड पेंट से इसको पेंट कर दिया। पहले मैंने सोचा था कि जब इन्हें बीच में डॉट लगाई ना कि सिर्फ वो रहने देता हूँ और फ्लावर को ब्लैक ही रहने दूँ, बट फिर मैंने इसको इस तरह से पूरा गोल्ड ही कर दिया। हालांकि इसमें ये भी कर सकते थे कि बीच में लाइक फ्लावर का जो मिडिल पोर्शन होता है उसको गोल्ड या कोई और कलर करके, और उसके पत्ते जो हैं वो किसी और कलर में, ब्लू, रेड, येल्लो, कुछ भी, बट मुझे ज़्यादा कलरफुल सा इस तरह से ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मैंने इसको इसी तरह से ब्लैक और गोल्डन ही करके रखा है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और अब मैंने इसको जो पहले जहाँ पे ये टंगा हुआ था सेम उसी जगह पे मैंने इसको टांग दिया है, तो ये ऐसे लग रहा है। और ये है ना हमारे जो एंट्रेंस है, मतलब अपार्टमेंट की जहाँ से कॉरिडोर शुरू हो रहा है, स्टेयर्स वगैरह, ये वहाँ पे मैंने इसको हैंग कर दिया। अभी मैं इसमें सोच रहा हूँ कुछ फ्लावर्स वगैरह भी बाद में डाल दूँगा। देखो गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ है, तेजी वाली गर्मी, अभी गाड़ी में इतने शो कर रहा है 41, मगर एक्चुअल में ज़्यादा है। और गर्मियों में ना ये जो येलो येलो फ्लावर्स हैं ना सड़क के किनारे लगे रहते हैं, मेरे फेवरेट हैं, बट ये ना गंद सबसे ज़्यादा डालते हैं। बाकी अच्छा तो लगता है रोड्स पे जाना, घर के बाहर निकल के तो बुरा हाल है, तो मैं तो अवॉइड करता हूँ, बट जाना तो पड़ता है, वैसे यार तबीयत ख़राब है, बट काम तो करना ही है। चलो अब देखते हैं, वैसे मैं घर जाने की सोच रहा हूँ वापस, देखते हैं अभी, पता नहीं, लेट्स सी। मुझे कभी अगर मौका मिले ना गांव में या किसी भी रूरल एरिया में जाने का, तो मैं उस मौके को कभी गवाता नहीं हूँ, और मुझे ऐसा ही मौका मुझे अभी मिला है, तो मैं वहाँ ज़रूर मतलब जाके आया हूँ, ज़रूर कहने लगा था, तो मैं वहाँ जाके आया हूँ। ये है एक छोटा सा गांव है हमारे सिटी से लगभग 30 किलोमीटर्स दूर, कोट नाम है इसका, कोट पिंड भी बोल देते हैं इसको, कोट गांव भी बोल देते हैं, पिंड मतलब गांव हिंदी में। तो मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ गया, तो रीज़न तो कुछ और था, खैर वहाँ पे एक वो बख्श नहीं होती लोगों को जो ऐसे टच करके किसी को पेन या कोई भी तकलीफ़ों से दूर करते, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था,
तो हम वहीं गए। तो वैसे तो मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता, बट टू बी वेरी फ्रैंक, जो वहाँ पे अंकल थे, ठाकुर जी उन्हें बोलते हैं, तो उनके टच करने से हल्का, मतलब थोड़ा उन्होंने नस वगैरह दवाई थी, तो उससे थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ा है। देखते हैं कितना रहता है और कितने दिन तक रहता है। अच्छा हो जाए तो बढ़िया ही है यार। तो ऑफलाइन ऑर्डर आ रखे हैं, दो बर्गर है और दो फ्राइज़ के, तो उसी को बनाने लगे हुए हैं। जोमेटो पे तो अब हमें ज़्यादा वो रहा नहीं, ऑफलाइन अपना सही चल रहा है। बाकी ये बेकार से इसके देख रहे हैं केयर के वीडियोज़, एंटरटेनिंग तो जरूर। तो ये बर्गर की तैयारी हो रही है, ये बर्गर हमारा आलू टिक्की बर्गर है, दो बर्गर हैं, सारे सामान इसका तैयार है। देखो तैयार है, और फ्राइज जो है इसका काम चल रहा है, पूरे भी जल्दी तैयार होगा। बाकी यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आज 46 डिग्री टेम्परेचर था और अभी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में 49 तक 50 तक भी जा सकता है। चंडीगढ़ एरिया में इतना है, तो आपके वहाँ कितना है वो भी बताओ, थोड़ा पता लगना चाहिए। तुम्हें तो बड़ी गर्मी लग रही होगी, है ना? ठीक है। वो एक पोस्टर है और एक अपना वो टेबल मैट्स। ओके, उसको पहले टेबल मैट्स खोलते हैं। अच्छे हैं, yes, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर के हैं और पीवीसी टाइप मटेरियल है, इससे है ना कि ऊपर कुछ गिरेगा तो ख़राब नहीं होंगे। बाकी ये ना हमने सोफे पे भी टेम्परेरी एक कपड़ा पड़ा हुआ था, सूट का कपड़ा है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो ये हमने इस पर बिछा दिया क्योंकि लाइट कलर होने की वजह से ये गंदा होने का ज़्यादा डर है, तो इसलिए हमने इस पर भी ऐसे जो है। एंड इसका देखते हैं सीट कवर, सॉरी नॉट सीट कवर, गाड़ी का याद आ गया, जो वो कवर है ना सोफा कवर, वो बनवाते हैं इसके। बाकी ये चीज़ है जो मंगवाई है, ये हैं मैट्स, ये ऐसे पीवीसी मटेरियल के टाइप के हैं, जैसे जल्दी सी बनी हुई है, सी थ्रू है और अच्छे है, काइंड फाइन से हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छे हैं ऐसे गोल्डन कलर के ना, उस पर रखे हुए भी अच्छे लगेंगे, बट मुझे लग रहा था कि ये शायद इससे आनी वानी निकल तो जाएगा दूसरी साइड में, मगर वैसे अच्छे हैं। ये है 6 का सेट है, ये हमारा फोर टेबल फोर सीटर सोफा है, 6 का फोर का, फोर का फोर है, ओके। मगर इसके कवर पे अच्छा वो 4 और 6 वैसे लिखा हुआ है, तो मैंने वो 6 पढ़ लिया था, ठीक है, अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ जो आई है वो कहाँ गई, दूसरी चीज़ ये है, एक पोस्टर है, ये हम आपके कौन मूवी से इंस्पायर्ड है, देख लो, इतनी पुरानी मूवी हो गई, 94 में आई थी शायद, 1994 में, और आज तक इसकी चीज़ें बिकती हैं। ये इस तरह जूते दो पैसे लो हम आपके कौन, तो ये फ्रेम मेड लगा के ना, यहाँ पे हमारे जो शू वाली शू रैक वाली अलमारी बननी है उस पर रखने के लिए मैंने मंगवाया। मुझे लगा था थोड़ा छोटा होगा, बट ये उससे काफ़ी बड़ा है, मुझे लगा था ये मैक्सिमम जितना ये सलमान खड़े ना यहाँ से, मुझे लगा था मैक्सिमम बस इतना ही होगी फ़ोटो सारा बीच में, बट चलो अच्छी बात है बड़ा है, तो इसको भी फ्रेम में करेंगे। वैसे तो पीछे ये टेप लगी है चिपकाने के लिए, बट फ्रेम की बात अलग है, नॉस्टैल्जिक सा बड़ा लुक है, अच्छा है। इसको भी लगाएंगे, आपको दिखाएंगे जब बन जाएगा, अभी तो बना ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ अभी तो बनना, जब बन जाएगा फिर दिखाएंगे आपको। कैसे किया था जब हमें चेक करना हो तो कैसे करते, प्रॉपर बताओ कैसे किया, किसने बताया ऐसे कुछ, पता नहीं। हमारी ये शॉपिंग चलते रिलायंस सिग्नेचर से, जैसे रखते हो VIP रोड पे। आज हम ना गलती से रिलायंस सिग्नेचर में चले गए जो मॉल है, क्योंकि आगे जो मतलब दूसरी तरफ जो मॉल था वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था, वहाँ पे जगह नहीं थी पार्किंग की। तो प्रताप शॉपिंग सेंटर करके है यहाँ जीरकपुर में पंजाब में, तो वहाँ पे जो है रेट्स बहुत कम है, ठीक है, वहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं है, बाकी चीज़ों के तो सब चीज़ें हैं,
एंड यहाँ पे तो आके ऐसे जैसे स्कूल में नहीं होता ये लो ये लेना पड़ेगा ये है वो है, अगर कोई ऑफ़र है कुछ है, मतलब अजीब तरीके की यहाँ पे डीलिंग हो रही है। और आप खुद ही देख सकते हो कि हमारे दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं है। तो आप ये देख लो कि एक छोटे से शॉपिंग सेंटर ने रिलायंस तक बंद कराने पर ले आया। वीडियो एडिट करने लगा हूँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा, देखो बाहर कितनी तेज़ धूप चमक रही है, तो उसके लिए मैं अभी ये कोक पीने लगा हूँ, डाइट कोक है ये पी गर्मी दूर करने के लिए। ये आज का ये वीडियो एडिट हो रहा है, इसमें अभी तो क्या स्टार्टिंग है, अभी इसमें मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे मैंने DIY टाइप की है पुरानी, मतलब इस तरह से केज सा है बर्ड केज के अंदर कुछ भी कैसे उसको मैंने करके ठीक किया है, तो इसके बारे में साथ में पीते हैं कोक और बाकी इसका करते हैं। डाइट कोक का टेस्ट अजीब सा होता है बट ठीक है, अच्छी तो ये भी नहीं है लेकिन ठीक है।